ओके, तो आपको 12th में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, अ क्लाउड एट अ पोटेंशियल 2 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो एक क्लाउड है, इसका जो वोल्टेज है 2 × 10⁴ वोल्टेज है, तो वोल्टेज हो गया इसका 2 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक टू द ग्राउंड, ठीक है, चार्ज ऑफ 86 कूलम ट्रांसफर टू द ग्राउंड, तो चार्ज कितना है, क्यू इक्वल टू 86 कूलम, ये स्ट्राइक हो रहा है ग्राउंड के साथ। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द वर्क डन, तो आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डब्ल्यू कॉल होता है डब्ल्यू अपन क्यू होता है वी, ठीक है, इस तरीके से। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो इस तरीके से आप अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए डब्ल्यू को टू हो जाएगा वी इंटू क्यू, ठीक है, तो वी इंटू क्यू आप यूज कीजिए फॉर्मूला, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, वी दे रखा है मेरे पास 2 × 10⁴ × 86, तो ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 172 × 10⁴। तो इसको अगर आप साइंटिफिक वे में लिखिएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1.72 × 10⁶ जूल। तो यू नो दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस आई, व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल, तो ये 1.72 × 10⁶ जूल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, वो 13 में क्या है देखते हैं। तो हम देखेंगे 13 में क्वेश्चन क्या रखा है, प्रूव दैट बाय टेकिंग एन एग्जांपल दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कम्बिनेशन इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट सिंगल रेजिस्टेंस इन द अरेंजमेंट इन द केस रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखिए आप सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि आप अगर रेजिस्टेंस लेते हैं, मान लेते हैं हम एक 10 का लेते हैं, एक 20 का लेते हैं, ठीक है, 10 एंड 20 उनका दो रेजिस्टेंस लिया है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, ये 10 और 20 दोनों से कम आएगा, पैरेलल का जो मतलब आर इक्विवेलेंट आएगा दैट इज लेस देन 10 एंड 20। तो देख लेते हैं हम आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए ना, तो 20 × 10/30 आएगा इस तरीके से। तो देखिए आप 200/30, इट मीन्स 6 पॉइंट समथिंग का, 6.6 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 6.6 देखिए 10 और 20 दोनों से कम है ना। तो ये प्रूव करना था कि एक एग्जाम्पल लेकर आप चेक कर लीजिए या देख लीजिए कि इसमें जो है रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में, तो ये इंडिविजुअल से कम आता है, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस होगा उनसे भी कम आएगा, जो सबसे कम है ना उनसे भी कम आता है, ठीक है, पैरेलल में। तो सबसे कम तो यहाँ पर 10th है, और 10 से भी कम आ रहा है 6.6, दैट इज इन पैरेलल। तो ये खासियत होता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम आता है, सीरीज में बढ़ जाता है, अगर सीरीज की बात करता तो ये 30 आता, तो जो मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा आता है सीरीज में, और पैरेलल में जो मिनिमम है उससे भी कम आता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन। ओके, तो 14 नंबर क्वेश्चन वेयर गिवन है, देखिए 14 में क्या देगा क्वेश्चन, यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई पॉइंट दे रखा, ठीक है, लेट्स इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो ए और बी की अगर बात करें यहाँ पे, तो वी ए माइनस बी बी यहाँ का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में, दैट इज इक्वल टू I1 R, ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये वी ए माइनस बी बी जो होगा यहाँ पे, इधर से अप्लाई करते हैं, तो दैट इज I2 R2, ठीक है, सेकेंड यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे। इसमें देखिए क्वेश्चन में देख था दिया हुआ कि इन द फ्लोइंग सर्किट प्रूव दैट I1 R1 = I2 R2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस रिलेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि सिग्निफिकेंट तो हम बता रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम दोनों की बात करें 1 एंड 2 से, तो 1 एंड 2 से दोनों का क्या रिलेशन निकल रहा है, बोथ आर इक्वल, पी एम एस बी बी एंड पी एम एस बी बी बोथ हैव द इक्वल IR1, मतलब दोनों में वोल्टेज सेम, अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इसमें आगे हम बात करें, तो क्या एक आई जो है ना, ये आई फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है I1, इधर I2, ठीक है,
इधर से आई आ रहा है, तो आई जो है इधर से आ रहा है, आई वन और आई टू इधर मिलके बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो देखेंगे, यहाँ पे आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। तो इसमें आप किसी एक में वैल्यू पुट कर लीजिए, इससे आपको पता चलेगा आई वन आर वन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसे तो यहाँ दोनों इक्वेशन दिख रहा है, दोनों का वोल्टेज सेम है, तो दोनों को इक्वल कर दें तो आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों से फ्रॉम वन एंड टू, तो आई वन आर वन इक्वल टू होगा आई टू आर टू, ठीक है। आई वन का अगर वैल्यू निकाल के पुट करना चाहे तो निकाल सकते हैं, आई वन इक्वल टू होगा आई टू आर टू बाई आई वन, सॉरी ये आर वन, ठीक है। आई वन का वैल्यू जो है यहाँ से ये आर वन जो है इधर आ जाएगा, ठीक है, आई टू आर टू बाई आर वन। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू इसमें, तो देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, आई वन की जगह था आई टू आर टू बाई आर वन प्लस का आई टू, ठीक है। तो दोनों में से आई टू कॉमन लेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों में से अगर हम आई टू कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आता है आर टू बाई आर वन प्लस का वन, तो दैट इज ये सॉरी आई वन है यहाँ पे, ये आई टू है यहाँ पे, आई टू इंटू इसको हम अगर सॉल्व करें तो आर वन आएगा एलसीएम एंड आर टू प्लस आर वन आएगा, दैट इज आई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आर टू का आई टू का वैल्यू आ जाएगा हमको यहाँ से, तो आई टू का निकाला है, आई टू इधर रखिए बाकी उधर भेज दीजिए, तो आई टू इक्वल टू आई आर वन डिवाइडेड बाई ये आर वन प्लस आर टू इधर डिवाइड में आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, पहला आ गया, पहला नहीं, इसमें हम बोल इसको थर्ड बोल देते हैं क्योंकि दो तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करते हैं इसी तरीके से सिमिलरली आप अगर आई वन निकालना चाहेंगे, ठीक है, इससे तो आई वन का जो आपको वैल्यू आएगा सिमिलरली आप निकाल सकते हैं, ये आपको आएगा आई आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, ठीक है। जो यहाँ पे करंट होता है रेजिस्टेंस को उल्टा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये फोर्थ हो गया। अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए आई टू अपन आई वन करके, तो आपका रिलेशन आ जाएगा इसमें क्या, आई टू अपन आई वन जो होगा इसमें यू विल गेट द वैल्यू है आई आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, एंड ये आई वन का वैल्यू ऊपर चला जाएगा तो आर वन प्लस आर टू ऊपर में जाएगा, और नीचे हम आपको मिल जाएगा यहाँ पे आई आर टू, तो आई साई कैंसिल हो जाएगा, ये कर दिया दैट इज आर वन अपन आर टू। फिर से आप क्रॉस करने के बाद आपको वही मिलने वाला रिजल्ट है, तो आई टू आर टू इक्वल टू आई वन आर वन, ठीक है, तो आई टू आर टू इक्वल टू आई वन आर वन। तो ये पता क्या पता था क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन द पैरेलल कम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम, तो इसमें हम कह सकते हैं इन पैरेलल कम्बिनेशन वोल्टेज इज सेम। तो इसमें अगर पैरेलल कम्बिनेशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो किसी भी जगह वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। तो इसमें जो वोल्ट होगा मतलब ये नीचे वाला जो ब्रांच में जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, तो इसमें पाँच वोल्ट है तो ये भी पाँच वोल्ट वहीं शो करेगा, ठीक है, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, तो इसे ये पता चलता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप तो ये यहाँ से दो लाइन में ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये और ये, तो हम ये पूरा आपको दिखा दिए, इस तरीके से आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके चलते हैं फिर 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए क्या हुआ। तो देखिए 13 क्वेश्चन दे रखा, अ चार्ज्ड बॉडी हैज लॉस्ट 10^3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए चार्ज की बात करें तो क्यू आपको हो गया यहाँ पे 10^3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी। तो देखिए कोई बॉडी अगर जो लॉस्ट किया है ना चार्ज, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हुआ, कमी हुआ है, तो उस पर उतने पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि Q इक्वल टू होता है एनी, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, सो ये इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू 10^3 इलेक्ट्रॉन्स, तो Q इक्वल टू होगा एनी, तो Q इक्वल टू एनी आप निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^3 था इंटू इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज, तो 1.6 इंटू 10 पावर
माइनस का 19 कूलम चार्ज होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपको ये आ जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10^16 माइनस में आ जाएगा, ठीक है कूलम। तो ये आपका आ जाएगा क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10^16 कूलम, तो ये आंसर आ जाएगा। और इसमें एक माइनस में कमी है तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप करके लीजिएगा 1.6 इंटू 10^16। या हो सकता है पुराना वाला बुक्स है इसमें माइनस और ये आंसर मिस है, तो आप नया वाला देख लीजिए, सही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन 17 में।